मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी हाई स्कूल चौक स्थित श्रीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपायली में दो दिवसीय वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका समापन रविवार को मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपायली में प्रतिवर्ष विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री महंत जोधादास जी वैष्णव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दो दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे स्नेह सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। उत्सव के समापन के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल पहुँचे। मंत्री प्रदीप जायसवाल का स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों द्वारा बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि पूरे महाकौशल में रामपायली स्थल का नाम जाना जाता है। ऐसी गौरवशाली संस्था के वार्षिकोत्सव में उपस्थित हुए सभी अतिथियों एवं विद्यार्थियों का मध्य प्रदेश शासन की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी प्रतिभा को निखारती है। हर बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कोई कलाकार होता है, कहीं ना कहीं खिलाड़ी होता है, और इन सब प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का होता है। लेकिन बिना हमारे पालागढ़ के माँ बाप के सहयोग के बिना संभव नहीं पाता। हमारे पालागढ़ सोचते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया है, अब हमारी जवाबदारी का ध्यान ना दें, उनको नैतिक शिक्षा न दें घर के अंदर कि बड़ों से कैसा व्यवहार किया जाता है, साफ सफाई से कैसे रहा जाता है। ये सारी नैतिक शिक्षा का देने का दायित्व जो होता है वो माँ बाप का होता है, अन्यथा हमारे के स्कूल के शिक्षक किसी बच्चे को कलेक्टर बना सकते, विधायक बना सकते हैं, लेकिन किस तरह से उठना बैठना, कैसे बात करना, अगर ये काम माँ बाप ने नहीं सिखाया तो आगे चल के वो बच्चा कलेक्टर। मीडिया से बात करते हुए विद्यालय के सचिव रविशंकर दास वैष्णव ने बताया कि खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल से एक प्रयोगशाला की मांग की गई है, जिस पर मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है। और आज समापन अवसर पर माननीय श्री प्रदीप जायसवाल जी खनिज मंत्री आज समापन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे और उनसे हमने एक हाल या फिर प्रयोगशाला की हमने मांग किया है। उनके तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो भी आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी वो मैं पूर्ण करूंगा। नैतिक शिक्षा किसी भी छात्र के जीवन को अनुशासित बनाती है, जो लंबे वक्त में कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने में सहायक बनती है। सफलता के लिए शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और शिष्टता का होना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बालाघाट।